विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही राजनीतिक दल के दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ आने का क्रम हुआ तेज। गृह मंत्री अमित शाह 20 तो मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अगस्त को आ रहे हैं छत्तीसगढ़। राहुल गांधी 2 सितंबर और केसी वेणुगोपाल 19 सितंबर को करेंगे प्रदेश का दौरा। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा, टिकट के लिए नहीं चलेगा नेताओं का कोटा, पहले दिखाना होगा काम, फिर ब्लॉक से मंगाए जाएंगे प्रत्याशियों के नाम। 17 से 22 अगस्त तक भरे जाएंगे फॉर्म। छत्तीसगढ़ में कई पैसेंजर ट्रेनों को 7 दिनों तक किया गया रद्द। इनमें रायपुर डोंगरगढ़, रायपुर दुर्ग, गेवरा रोड रायपुर, बिलासपुर शहडोल समेत नहीं चलेंगी कई गाड़ियां। मेंटेनेंस और लाइन जोड़ने के काम के चलते लिया गया फैसला। 16 से 23 अगस्त तक अलग अलग तारीखों में रद्द रहेंगी ट्रेनें। बलरामपुर जिले ने रचा नया कीर्तिमान। पुलिस की पहल से जिले भर में 325 गांव में 650 टीमों द्वारा खेला गया वॉलीबॉल का मैच। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करते हुए जिले के एसपी को दी गई है बधाई। रायपुर आरंग के टेकारी में खेत में काम करने की मजदूरी लेने घर गई नाबालिग के साथ पटवारी ने किया दुष्कर्म। आरोपी पटवारी राम अवतार लहरी के खिलाफ धरसीवा थाने में दर्ज किया गया अपराध। इसके बाद से आरोपी है फरार। राजनांदगांव सोमनी थाना क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र मंगगट्टा में घूमने आए 3 लोगों की खदान में डूबने से हुई मौत। तीनों युवकों के शव कर लिए गए हैं बरामद। तीनों दोस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आए हुए थे घूमने। देश की सीमा पर तैनात जवानों के लिए बॉर्डर तक पहुंचाए जाएंगी छत्तीसगढ़ के हर जिले और गांव-गांव से बनी राखियां। पूर्व सैनिकों के संगठन की पहल से 11 लाख से ज्यादा राखियां बनाकर बॉर्डर तक पहुंचाने का रखा गया है लक्ष्य। गांव की मिट्टी से होगा तिलक। दंतेवाड़ा जिले के बुरगुम, बड़ेगादम और इंद्रावती नदी पार के तुमरी गुंडा गांव में पहली बार मनाया गया आज़ादी का जश्न। नक्सलियों का एनकाउंटर कर फहराया गया तिरंगा। यहां चलती थी नक्सलियों की हुकूमत। बालोद गुरूर विकास खंड के ग्राम चिटौत प्राथमिक शाला में बच्चों के कचरा उठाने का वीडियो आया है सामने। बच्चे हाथ से कचरा उठाते और डस्टबिन के जरिए नेशनल हाईवे के किनारे डंप करते आ रहे हैं नजर। इस मामले में डीओ ने जांच की कही है बात।